बात मैं कहना चाहती हूँ, आपके घर में कोई शादी है तो आप कार्ड देने जाते हो किसी के घर में, कितनी बार जाओगे, कितनी बार कहोगे? एक बार तो जाओ। एक बार जाएंगे ना, कि भाई साहब आप आइएगा हमारे घर शादी है। यहाँ नौ नौ बार ईडी का सम्मन गया है, मतलब लाड साहब जी मतलब कोर्ट में आने के लिए उनको कौन सी उनको पेशकश चाहिए? नहीं नहीं, मतलब आप ये देखिए, आप ईडी के ही खिलाफ आप सबूत जुटा रहे हैं, ईडी के खिलाफ, ईडी के खिलाफ ही आप सबूत जुटा रहे हैं कि ईडी के लोग करप्ट हैं। बताइए आप कि जो आपके खिलाफ सम्मन आ रहे हैं उसका आपसे जवाब नहीं दिया गया। कभी आप कुछ करने लग जाते हैं, कभी कुछ करने लग जाते हैं, लेकिन आपको कोर्ट में पेश होना चाहिए था। अगर आप कट्टर ईमानदार हैं तो आप सब बच के आ जाते हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो जेल से चला लूंगा सरकार दिल्ली की। यही वो यही तो दिखा रहे हैं ना देश की जनता को कि हमारा देश इतना गया गुजरा है कि जेल से कोई सरकार चलाएगा। अरे बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो हमारे तरह देशभक्त हैं, वो देश को अच्छे से चला सकते हैं, उसकी हमें कोई जरूरत नहीं। देशभक्त नहीं मानती है। नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं मानती। अगर वो देशभक्त हैं तो भगत सिंह से अपने आप का बराबरी करते हैं ना, चढ़ जाए फिर फांसी पे, चढ़ जाए ना फांसी पर फिर। नहीं क्यों नहीं, क्यों नहीं वो अपने आप को साबित करते कि वो ठीक है, वो ठीक है तो अपने आप को साबित करते, कोर्ट में जाते, अपनी बात रखते। आपको पता है हमारे कोर्ट में सबको इजाजत है अपनी बात रखने के लिए। मोदी के खिलाफ जो भी बोलेगा उसके ऊपर इसी तरीके से ईडी और सीबीआई लगा दी जाएगी, परेशान किया जाएगा। भाई साहब मैं बस आपको एक बात का जवाब देना चाहती हूँ। कभी ये कहते हैं कि मोदी चौकीदार है, कभी मोदी को इतनी बुरी बुरी गालियाँ देते हैं। एक वो बंदा है जो सन्यासियों की तरह, आपने देखा राम मंदिर के टाइम पर 11 दिन वो नंगे पैर और जमीन पर सोते रहे, 3 दिन का अनुष्ठान था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं वो सन्यासी है, वो इस देश के लिए इतना अच्छा सोच रहा है, हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां जिंदगी भर उनकी उनको याद रखेंगे मोदी जी को, जिनकी वजह से आज हम सनातनी, आज हम अपने त्योहार मना पा रहे हैं, आज हम जी पा रहे हैं, आज अपने बच्चों को हम संस्कार दे पा रहे हैं, तो वो मोदी जी की वजह से। नहीं तो इसने तो जगह जगह ठेके खुलवा दिए शराब के। आप बताइए, कोचिंग सेंटर के बाहर में ठेके, स्कूलों के बाहर ठेके, लोगों के घरों के बाहर ठेके, एक पे एक पौवा, एक पे एक बोतल, फ्रूटी के बराबर बोतलों में शराब मिल रही है। बच्चों जाओ स्कूल में जाके फ्रूटी की तरह शराब पियो। मतलब आप क्या चाहते हैं? आप देश को बर्बाद करना चाहते हैं? और आपके सबूत जो मिल रहे हैं ना कि आप कैसे फंड लेते हो, विदेशों से कैसे फंड आ रहा है आपको? बीजेपी भी लेती है, बीजेपी का सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, सब कुछ आपको डाटा मिल जाएगा। बीजेपी कभी भी करप्ट पार्टी नहीं रही है। आपको पता है जब से जनसंघ के टाइम से, मेरा परिवार जनसंघी है, जिस समय दीपक का निशान हुआ करता था, मेरे भाई का नाम दीपक रखा गया, मेरी हमारी फैक्ट्री का माई दुकान का नाम दीपक। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते थे कि हम ऐसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। और आज मैं जो भी हूँ, मैं सोशल वर्कर हूँ और मैं इतना अच्छा काम कर रही हूँ, क्यों? क्योंकि हमारे मोदी जी चाहते हैं हमारी महिलाएं आगे आए। पहले वो घर में दबी नहीं जाते, हजार रुपए देने की बात, दबी कुछ फ्री में लेके महिलाएं दबी कुचली रहती थी घर में, उनके ऊपर इतना डावरी का केस होता था, इतने अत्याचार होते थे, लेकिन आज वो अपने सर उठा के जी पा रही है, तो वो मोदी जी की वजह से। ये कहते थे राम मंदिर की जगह यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल। आप देखे ना मोदी जी ने जगह जगह एम्स के लिए कितने एम्स खोल दिए, कितने यूनिवर्सिटीज बना दी हैं, लेकिन अब उनके पास कोई जवाब नहीं है। आपने तो ठेके खुलवाए, उन्होंने एम्स खुलवाए। कह रहे ठेके और एम्स में फर्क नहीं है क्या? भाई ऐसा मेरी बात सुनो, ठेके तो सारी गवर्नमेंट खोलती हैं, इसने खोले हैं। हरियाणा में ठेके नहीं है, हरियाणा में बीजेपी की रेजिडेंस एरिया में ठेके हैं, हरियाणा में बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है आप बता, चलिए बच्चों के स्कूल और बच्चों के स्कूलों के पास ठेके खोल देंगे क्या? हर हर मोदी भैया ऐसा है, देखो एजुकेशन, मैं भी जनकपुरी में रहता हूँ, जे भी रहते हैं इनके पास पैसा है, जो 20,000 रुपए का MRI करा सकते हैं, गरीब आदमी नहीं करा सकता ना। एक मिनट, गरीब आदमी नहीं करा सकता ना। हेलो, उसका जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में फ्री में हो रहा है,
आपको जवाब देती हूं। आप नहीं, अभी अभी जो है नहीं नहीं किसी का भी नहीं हुआ। अभी सुपर स्पेशलिस्ट में मेरी मदर का ऑपरेशन हुआ। मोहल्ला क्लिनिक में गधे बैठे हैं, गधे गधे हैं सारे। मोहल्ला क्लिनिक में कोई डॉक्टर नहीं है। वहाँ पर नकली दवाइयाँ पकड़ी गई हैं और वहाँ के जितने भी डॉक्टर हैं बेचारे धक्के मार मार के पीछे ले। आप देखिए ना, आप देखिए एम्स में भी तो सफरी में है। आप सुपर स्पेशलिस्ट का जवाब लीजिए। नहीं एक मिनट, आप गोली इनका कोई MRI नहीं हुआ। मैं जानता हूँ उनका चित्र, ये सिर्फ केजरीवाल जी की बात बनी करने के लिए बोल रहे हैं। जो शराब घोटाले का सबसे बड़ा आरोपी था अरबिंदो फार्मा वाला, जब उसको ईडी ने पकड़ा तो जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि 45 से 50 करोड़ रुपया बीजेपी ने उससे लिया है, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, समझ रहे हो, जिसको आप मिटा नहीं सकते, जो डॉक्यूमेंट पे लिखा हुआ है कि 45 से 50 करोड़ रुपया दिया है और उसने बोला मेरी पीठ में दर्द है और उसकी बेल जो ईडी ने रिजेक्ट नहीं करवाई, उसने उसको अपोज नहीं किया, उसको बेल मिल गई, समझ रहे हो। अब आप बताओ कौन चोर है, आप बताओ। आपने मर्डर कर दिया और आपसे थानेदार पैसे ले ले, ठीक है, तो ये चोरी हुई, समझ रहे हो ना, और एक ने कुछ किया ही नहीं, कौन चोर हुआ जिस पर डॉक्यूमेंट्री। कह रहे इतनी बार समन, इतना इधर आइए ना सर, कह रहे इतनी बार समन जारी हुआ, अगर आप ईमानदार थे तो आप जाके बात करते, डिस्कस करते भाई वो। हाँ। क्या कर जाओ? सर कभी भी है ना, थानेदार बेल नहीं देता, कोर्ट बेल देती है और कोर्ट एविडेंस में चलती है, कोर्ट एविडेंस में चलती है। जो ये कह रहे के कविता या जो भी पकड़े गए उन्होंने उसको पैसा दिया बीजेपी को, वो तो सब पार्टियां देती है, सब ने बिजनेसमैन देते हैं। बताओ मैंने आपको पकड़ा और उसके बाद आप मेरे को पैसे दे रहे हो, ठीक है, ये करप्शन है कि नहीं? नहीं नहीं, पकड़ने के बाद आप मेरे को पैसे दे रहे हो? नहीं नहीं, पकड़ने के बाद जब आप आरोपी हो गए आप मेरे को पैसे दे रहे हो, ये करप्शन है कि नहीं? ये बताओ पहले किसने लिए पैसे, पहले ठेके देने के लिए पैसे, उसका सबूत नहीं है, क्या रहे सबूत होगा भी नहीं, क्योंकि वो अपना सबूत आगे आने ही नहीं देते और अब जनता ने उनका सबूत देख लिया। उनका पहला सबूत जो है वो जनता है, केजरीवाल जी का जो मेन सबूत है वो आम जनता है। आम आदमी पार्टी के नेता बनते हैं, आम आदमी के नेता बनकर आए कि मैं करप्शन हटाऊंगा, मैं सब कुछ भला करूंगा देश परिवार के लिए, और खुद जाके गद्दी पे ऊपर जाके बैठ गए और अपना आलीशान बंगला बना लिया। गरीबों के लिए क्यों नहीं करा? कोई नहीं करता, घर घर रोटी जाती।